अगर आपके पास भी एक स्मार्टफोन है और आप देखे होंगे कि उस स्मार्टफोन पे न्यू न्यू अपडेट जो है आते रहता है, चाहे आपके पास जो भी कंपनी का हो, रियलमी का हो, वन प्लस का हो, वीवो का हो, एमआई का हो, वीवो जितनी सारी कंपनी है, सैमसंग, ये सब डिवाइस में न्यू न्यू अपडेट जो है आते रहता है। न्यू अपडेट आता है इसलिए क्योंकि उसमें काफी सारे कुछ चेंजेस रहता है, जैसे कि आपके जो है कैमरा अगर खराब है क्वालिटी उसको इम्प्रूवमेंट करता है, एंड अगर आपका बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाता है उसी चीज को इम्प्रूवमेंट करता है, ओवर हीटिंग को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह से काफी सारे न्यू न्यू फीचर्स भी आपको देखने को मिल रहा है। सो न्यू अपडेट पे ये सब चीज आपको देखने को मिल रहा है, एंड उसके साथ साथ काफी कुछ प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि वन प्लस के डिवाइस जो है उसी में आपको जो है ग्रीन लाइनिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, इसके अलावा जो और डिवाइस है जो और कंपनी का है उसमें भी आपको ग्रीन लाइनिंग डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, मिल रहा है ऑलरेडी, काफी ज्यादा लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है अपडेट के बाद। सो अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है और उसमें आपको अपडेट के बाद प्रॉब्लम आ रहा है, सो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है जितना कि वो और कंपनी वाला यहाँ पे प्रॉब्लम ले सकता है। जैसे कि अगर आपके पास वन प्लस डिवाइस है उसमें अगर आप अपडेट करने के कारण आपके डिस्प्ले पे लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, सो वन प्लस क्या करता है, जो सर्विस सेंटर है वो आपको यहाँ पे पहले तो क्या होता था कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डिस्प्ले को रिप्लेस करके दे देता था। ओके, लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको चार्ज लग सकता है, सर्विस सेंटर पे ले आना है और आपको यहाँ पे ये बताना है कि मेरा अब जो फोन पे सिर्फ और सिर्फ अपडेट के बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपका डिवाइस न्यू है तो वहां पे बहुत ही लो प्राइस में वो आपके डिस्प्ले को जो रिप्लेस कर देगा, और वही नहीं उस डिवाइस को आप जो है एक्सचेंज भी करा सकते हैं। अगर आप उस मॉडल को छोड़ के दूसरा मॉडल पे जाना चाहते हैं तो कुछ प्राइस देके डिवाइस देके आप जो है मेंटेन करके वो दूसरे डिवाइस के साथ जा सकते हैं। ये जो रहता है वन प्लस का बेनिफिट। एंड वहीं पे अगर दूसरा कंपनी का डिवाइस है तो उसमें क्या होता है कि आपको डिस्प्ले का फुल आपको प्राइस देना होता है। ओके, रिप्लेस भी बहुत ही मुश्किल रहता है, जो ज्यादा दाम का डिवाइस है उसमें शायद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर बोला जाए डिस्प्ले पर लाइनिंग का अपडेट के कारण तो उसमें आपको पैसा पूरा पूरा लगने का पूरा पूरा चांस है, लगता ही है। ओके, सो यहाँ पे जो न्यू अपडेट आता है डिस्प्ले लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है काफी ज्यादा लोगों के साथ यहाँ पे। सो अगर आपके भी फोन पे न्यू अपडेट आ रहा है और आपका डिवाइस एक कर्व डिस्प्ले वाला है, तो उस चीज में ज्यादा यहाँ पे ये चांस बन जाता है ग्रीन लाइनिंग डिस्प्ले का। ओके, सो अगर आपके पास न्यू अपडेट आ रहा है तो आपको वेट करना है, रिसेंटली उसी वक्त अपडेट नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी न्यू अपडेट आ रहा है आपके पास जो भी स्मार्टफोन हो वो आपको अपडेट उसी वक्त इंस्टॉल नहीं करना है, आपको वेट करना है। ओके, 15-20-30 रोज इसका वेट करना है, उसके बाद आपको अपडेट करना है। क्योंकि क्या होता है कि न्यू अपडेट जो आता है तो कंपनी जो है पूरा ट्रायल करके सेंड करता है, लेकिन उतना उसको मालूम नहीं चलता है कि लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे अगर आप लेट करके अपडेट करोगे तो उसमें काफी कुछ सुधार कर देता है। ओके, सो अगर आपके पास कोई और फोन है उसमें अगर ग्रीन लाइनिंग का इश्यूज आ रहा है तो उसे सही करने के लिए जो सर्विस सेंटर है उस कंपनी का वहीं पे जाना है, जिसमें आपको बहुत ही लो बजट में डिस्प्ले रिप्लेस कर देगा। अगर आप जो है ऐसी शॉप में जाते हैं तो उसमें आपको फुल्ली चार्ज लग जाएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, जो सर्विस सेंटर है वहां पे जाना है। सो वन प्लस का कौन सा डिवाइस है, कौन सा स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, एंड अगर आपके पास एक वन प्लस डिवाइस है कुछ भी प्रॉब्लम हो सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इस चैनल से ले सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करके रखना।